एसटीएफ और चौकी पुलिस की संयुक्त टीम ने दो स्मैक के तस्करों को धर दबोचा। ये स्मैक तस्कर 1 किलो 6 ग्राम स्मैक नेपाल की एक पार्टी को बेचने जा रहे थे। उत्तराखंड के सीमा से लगे खटीमा कोतवाली क्षेत्र में उधम सिंह नगर एसटीएफ और खटीमा की चकरपुर पुलिस टीम ने 1 किलो 6 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर सगीर अहमद और बाबू शाह है, जिन्होंने पुलिस को पूछताछ में बताया कि यह स्मैक बरेली से लेकर नेपाल की एक पार्टी को बेचने जा रहे थे। कोतवाली के उप निरीक्षक अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद की एसटीएफ टीम को ड्रग तस्करों के क्षेत्र में होने का इनपुट मिला था, जिस पर तुरंत एसटीएफ ने खटीमा की चकरपुर पुलिस को साथ लेकर स्ट्राइक करते हुए दोनों तस्करों को 1 किलो 6 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिनका अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मूल्य 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंका जा रहा है। गिरफ्तार किए गए बरेली निवासी आरोपी सगीर अहमद और बाबू शाह के विरुद्ध एनडीपीएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 9/2/2024 की सायं को उत्तराखंड एसटीएफ कुमाऊं मंडल की टीम और थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त सगीर अहमद व बाबू शाह निवासी अलीगंज जनपद बरेली को करीब 1 किलो अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।